समीर वानखेड़े को जान का खतरा, किसने दी जान से मारने की धमकी, किसने कहा तुमको खत्म कर देंगे। खबर है मुंबई से, जहां हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है, वो भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं बल्कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को। जी हां, आपने सही सुना, जैसे ही ये खबर फैली चारों तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ये मामला सामने आया, जहां पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को इस बारे में अवगत कराया। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को दी गई शिकायत में जांच करने को कहा। इस बारे में बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को ट्विटर अकाउंट बनाया गया और उसी के जरिए समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस बारे में जांच की गई तो पता चला कि अमन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने 14 अगस्त को समीर वानखेड़े को ये धमकी भरा मैसेज किया। मैसेज में शख्स ने लिखा कि तुमको पता है तुमने क्या किया है, इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, तुमको खत्म कर देंगे। इस धमकी भरे मैसेज के बाद समीर वानखेड़े ने गोरेगांव पुलिस से इस बारे में शिकायत की। समीर वानखेड़े का बयान गुरुवार को दर्ज किया गया था। जाहिर है कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बीते दिन ही एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और अगले ही दिन उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी मिली है। अब बताया जा रहा है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच लड़ाई जग जाहिर है, वो किसी से छिपी नहीं है। काफी वक्त से दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आते हैं, आरोप लगाते नजर आते हैं, बयान देते नजर आते हैं। तो वहीं पहले पिछले साल नवाब मलिक ने दावा किया था कि उन्हें धमकी मिल रही है कि वो एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को टारगेट ना करें। फिर सुरक्षा के लिहाज से नवाब मलिक की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी, जिसके जवाब में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक सरासर उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े का नाम काफी उछला था, जिसके बाद समीर वानखेड़े का ट्रांसफर भी हुआ। फिर शाहरुख के बेटे आर्यन खान को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। अब देखना यह है कि समीर वानखेड़े को आखिर ये धमकी किसने दी है और इसके पीछे कौन है और उसका क्या मकसद है। मुंबई पुलिस से इस मामले में शिकायत कर दी गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।